जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खटीमा शहर में स्थित पूर्णागिरी होटल के कमरे नंबर 208 में एक शव मिलने से शहर के अंदर हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि खटीमा शहर में रोडवेज के पास स्थित पूर्णागिरी होटल में एक व्यक्ति कमरा लेकर बीती रात रुका हुआ था। वहीं जब सुबह होटल के कर्मचारियों ने वहां जाकर देखा तो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी सूचना होटल स्वामी ने तत्काल खटीमा पुलिस को दी और सूचना पर खटीमा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर उसके पास से आधार कार्ड प्राप्त हुआ है, जिसमें मृतक का नाम चंचल सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी आगर दिगारा पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उम्र 34 साल का पाई गई है। और वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों से संपर्क कर उनको सूचना दी है। साथ ही पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर शव को खटीमा नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। वहीं इस मामले में खटीमा कोतवाली में तैनात SI कैलाश सिंह देव ने मीडिया से को बताया कि बीती रात एक व्यक्ति खटीमा के पूर्णागिरी होटल में ठहरा हुआ था। सुबह होटल के कर्मचारियों को पता चला कि व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, तो उन्होंने खटीमा पुलिस और 108 को सूचना दी, जिस पर 108 के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर देखा तो व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया। वहीं बैग की तलाशी लेने पर आधार कार्ड प्राप्त हुआ, जिसमें उसका नाम चंचल सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी आगर पिथौरागढ़ पाया गया, जिस आधार पर उसके परिजनों को संपर्क कर मृतक का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए खटीमा नागरिक अस्पताल भेज दिया गया। एक व्यक्ति पूर्णागिरी होटल जो खटीमा थाना क्षेत्र में पड़ता है उसमें ठहरा हुआ था रात्रि में, तो जब सुबह होटल के कर्मचारियों ने उसको उठा के चेक किया तो जो है चित अवस्था में पड़ लेटा हुआ था। होटल कर्मचारियों ने थाना पुलिस को और 108 को सूचना दी। इसमें हमारी स्थानीय पुलिस और 108 के जब कर्मचारी ने उसको चेक किया तो उसको मृत अवस्था में पाया गया। जब उसके आसपास उसके कपड़े और बैग चेक किए तो उसमें एक उसका आधार कार्ड प्राप्त हुआ, जिसमें उसका नाम जो है चंचल सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी पिथौरागढ़ का था, जिस संबंध में जो है उसके परिजनों को हमने सूचित कर दिया गया है और उक्त व्यक्ति को जो है मोर्चरी में ले आके उसे पंचायतनामा और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।